हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आप ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और आज निकली है धूप बहुत अच्छी, और धूप निकलने भी आपको मैं दिखाती हूँ धूप कितनी अच्छी निकली है। देखिए, मैं धूप में ही खड़ी हूँ अभी, इतनी धूप अच्छी निकली है। तो मैंने सोचा है कि आज हम लगाते हैं मशीन को, और इसीलिए आज मैंने मशीन लगा दी है। कुछ कपड़े मैंने हाथ से भी धोए हैं जो आपको इधर दिख जाएंगे, ये वाले पैरदान वगैरह जो मैंने धोए ना वो हाथ से धोए हैं। और अब हम मशीन लगा दी है, मशीन भी मैं आपको दिखाती हूँ और नल बंद कर दूँ। और धूप में कपड़े धोने का आनंद सर्दियों में अलग ही है। और आज मैंने लगाई है मशीन, तो आप देखिए मशीन हमारी ये चालू है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये लगी है हमारी मशीन। और देखिए कितने सारे अभी कपड़े धोने को रखे हैं, कुछ मशीन में डले हैं। और इसीलिए मैंने मशीन लगाई है क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी हो गई है। और जब तक मशीन में कपड़े धुलते हैं तब तक मैं पौधों की कर लूँ क्लीनिंग, क्योंकि पौधों में भी बहुत कचरा हो गया है, उनकी कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई है। तो हम करते हैं पौधों की क्लीनिंग। मैंने पौधों की क्लीनिंग कर दी है स्टार्ट, टमाटर के पौधे से कर रहे थे, ये सब सूख गए हैं। इनके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिले ही नहीं रहा था क्योंकि काम ही इतना हो जाता है, पता नहीं यहाँ कीड़े लगे हैं। मैंने बहुत अच्छा, ये देखिए ये वाले कीड़े हैं, श्याम इधर दिखाना, ये व्हाइट व्हाइट कीड़े है ना, इनसे पूरा पौधा खराब हो रहा है हमारा। और इसमें देख सकते हैं आप टमाटर भी लगे, लेकिन इन कीड़ों की वजह से सब खराब हो गया, इसलिए इन पत्तियों को निकाल दें। आज हमें अपने पौधों की, सारे पौधों की क्लीनिंग करनी है, इसीलिए इनकी, चलो ये भी वीडियो आपके साथ में शेयर कर लें। इनके पत्ते वगैरह हटा देंगे, देख बिल्कुल सूख गए, कोई मतलब नहीं है इनका। कीड़े और ये कीड़े ही हैं, इनको लकड़ी से हटाएं। जब पौधे क्लीन होंगे तो कचरा निकलेगा, तो छत भी साफ हो जाएगी। इसके भी पत्ते पीले हो गए, निकाल दें। इसमें भी है, इधर एयरपोर्ट पड़ता है तो कितनी तेज आवाज आ रही है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। मैं बोलूंगी वो भी नहीं सुनाई देगा, इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ। पत्ते खराब हो रहे हैं तो मैंने ये इनको भी निकाल दें, इसमें भी टाइम लगता है पूरा, क्योंकि मैंने ये थोड़ा थोड़ा सूट करके दिखा रहा हूँ आपको। इसमें भी देखो फूल तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इसका भी कुछ कंडीशन खराब हो रही है। उस दिन मैंने साफ भी किया था, लेकिन फिर से हो गई है, पत्ती खराब है। अब ये मैं दूसरे गुलाब के पौधे की कर रही हूँ, दोनों में लगभग एक से फूल लगते हैं। इसमें क्या ना कुछ अलग कलर के भी आते हैं, इसमें मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, दो कलर के पौधे इसमें लगाए थे एक साथ। देखिए मैंने सारे पौधों की क्लीनिंग कर दी है, आप देख सकते हो सारे पौधों के जो खराब पत्ते थे वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। और इनकी सफाई हो चुकी है, ये देखिए सभी की, सभी पौधों की क्लीनिंग हो चुकी है, सबकी हो चुकी है क्लीनिंग, सभी पौधों की क्लीनिंग हो चुकी है। देखिए सब पौधों की मैंने क्लीनिंग कर दी, और अब मैं कपड़े धोने में लग जाऊंगी। और कपड़े धोने बस मशीन से निकालते हैं, अभी धोते हैं। मैं इसमें कपड़े ड्राई होने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि धूप भले ही तेज है लेकिन लेट हो गए धुलते धुलते कपड़े, तो ये सूखेंगे नहीं, इसलिए इससे जल्दी से सूख जाएंगे। अभी इतने ही इसमें बनेंगे और मैं इसमें बाद में डालूंगी, अभी इतने डाल के फिर इनको फैला के तब फिर दूसरे वाले डालेंगे। इसको बंद कर देंगे, देखिए कितने सारे कपड़े धुल चुके हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे बहुत सारे कपड़े आज मैंने धोए हैं, ये देखिए। और दोनों ही रस्सी भरी हैं, अब इधर की रस्सी मैं इधर से दिखाती हूँ, ये देखिए पूरी फुल रस्सी भरी है, और इतने सारे मैंने कपड़े आज धोए हैं। अब हम रख रहे हैं घी गर्म होने के लिए, ये भी गर्म हो जाएगा साथ में। गरम होने लगा है, बस अभी निकलने ही वाला है इसमें।
मैंने इसको 1700 पे कर दिया है जिससे कि जल्दी हो जाए। और आज थोड़ा ही घी गरम करना था तो हमने घी इसको भी गरम करके रख दे। घी गरम हो चुका है हमारा, ये देखिए। अब बस ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसको इसमें पुरा देंगे, तब तक इसका ये झाग भी नीचे बैठ जाएगा। और थोड़ा ने कड़क गर्म हो गया है ज्यादा ही, थोड़ा हम उधर चले गए इसको देखा नहीं, घी तो हो चुका है गरम। अब इसको ठंडा हो जाने दें, अब हम घी छानते हैं इसमें। और अब सर्दी भी लग रही है, कपड़े अपने धोया है, अभी मैंने स्वेटर नहीं पहना है, अभी मैं इसको भी घी छान लें। और आप लोगों का हमारा काम करने का रूटीन पसंद आ रहा है और आपको हमारा काम करने का तरीका पसंद आ रहा है और रूटीन पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं मुझसे जो भी बन सकेगा मैं आपको अच्छा ही अच्छा दिखाऊंगी। घी को मैं सोच तो रही हूँ इसको कढ़ाई को ऐसे उठा के कुरा लूं, क्योंकि उस दिन मेरे साथ में ये हुआ था, मैं चमचा एकदम गिर गया था ऊपर। घी भी मैंने छान दिया है, घी भी मैंने छान के रख दिया है। आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है और मेरा कोई भी काम करने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसी के साथ हमारे ब्लॉग का एंड होता है और थैंक यू।